With the DBR pod, very emergency special episode. आज हमने कर दी है. This is episode 95 with the boys from Gragram, Sherry and Omer. कैसे हैं आप? बिल्कुल सब unmute कर लीजिए. Thank you very much for coming. How are you guys doing? जबरदस्त. Thank you. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. बिल्कुल ठीक. I was telling these guys before we started recording कि मैंने ना मतलब चिमट गया था मैं Instagram पे कि भाई बस आना है, किसी भी तरीके से आना है. I don't care. Obviously, आप सबको पता ही होगा, but if you don't, they have dropped their first album, an amazing, amazing event and production in Pakistan ka music scene, music history. तो ये episode is going to be about the band and the album, etc., etc. तो हमारा एक पिछले एक साल से एक सवाल बन गया standard opening सवाल के आजकल के कोविड और पैंडेमिक के जमाने में आप लोग खैरियत से हैं? इज एवरीथिंग ओके? आर यू गाइस डूइंग वेल? या फॉर्चूनेटली वी ऑल आर हेल्दी. सब बचे हुए थोड़ा सा, लेकिन मुझे जैसे बीच में महीना पहले हो गया था कोविड, तो बाकी भी अभी इजी है. बट या सब थोड़ा एहतियात ही कर रहे हैं, यू नो. वाज इट लाइक माइल्ड सीन था या काफी बैड सीन हुआ था? चार महीने की मुझे छुट्टी है, तो मैं बगैर मास्क पहने कहीं भी जा सकता हूँ. वेरी गुड. यार गाइस, एल्बम के बारे में मुझे बात करनी थी आपसे. एंड देयर इज अदर स्टफ आई सेंड एज ऑलवेज इज नाउ अ थीम आई मेंशन कि आई सेंड दिस लॉन्ग एज एजेंडा. और फिर मैं लोगों से कहता हूँ नहीं नहीं इसको ज्यादा ना पढ़ना, मतलब ये चल सीन. एंड एवरीवन्स लाइक ब्रो इतनी लंबी कहानी लिख दी है तुमने. पढ़ लिया था अपने सारा. हमने पढ़ लिया सारा. बट द थिंग इज के योर एल्बम केम आउट आई थिंक अ वीक, अबाउट अ वीक अगो, मंडे वाज इट? या संडे. तो हाउ हैज योर लाइफ बीन आफ्टर द एल्बम? इज इट जस्ट Instagram tags और ये क्या कर दिया, etc. इस तरह की बातें हो रही हैं? Yeah, the first two days were just tags and tags तो भरमार मची हुई, tag tag tag, और हम एक दूसरे को भी tag कर रहे. So दो दिन तक तो हम बस phones में ही थे अपने, कुछ नहीं किया. और it was so good, मतलब बड़ा मजा आ रहा था reading those comments, you know, सारा कुछ. So it was great, the whole एक burst हुआ अचानक कि जी लोग गाने सुन रहे हैं और सबको अलग अलग गाने पसंद आ रहे हैं. सो वो भी एक बड़ा मजे का, बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी रिलीज़ 9 सॉन्ग्स एट वंस. राइट, सो वो एक बड़ा मिक्स है रिस्पांस है. इट वाज ग्रेट. वेरी गुड. आई वांट टू टॉक अबाउट द एल्बम वगैरह की प्रोसेस, बट फॉर पीपल हु माइट नॉट नो, एंड इवन आई डोंट थिंक आई नो द फुल स्टोरी, मैंने सोचा कि इट वुड बी गुड टू टॉक अबाउट हाउ यू गाइस गॉट टुगेदर as a band. What was the scene? My familiarity with individuals in the band and then the band is from Nescafe Basement. That's when I first saw you guys. But uske baad se then there was the Koblumpi music festival, us pe maine ek do videos dekhi, then your own, I think Tufan ki video thi, and I was like, bro, ye kaun hai ye bro boys, ye kahan se aa gaye ekdam se itna sara music leke. So how about you guys walk me through you know how you guys got together? I would let Umair take up, kyunki main bhi baad mein is journey mein aaya hu. Pehle initially Umair aur Bilawal, they started with the previous band Overdose, so that became Karakram. So Umair agar bata de. So Overdose basically apne banaya tha, Rafe Israr tha uske andar aur Tamasha ke jo lead guitarist hai Anas Lutfi wo uske andar hota tha. और फिर कुछ टाइम बाद वी स्प्लिट, फिर शेरी ने हमें ज्वाइन किया ओवरडोज में. और ये बात है मेरे ख्याल है 2010 की. शेरी, हाँ, और दिस इज 2010 कराची. यस, कराची में. तो उसके बाद फिर ओवरडोज के हम अंडरग्राउंड
सर्किट कर रहे थे, शोज कर रहे थे, और हम लोग बस बिलावल के घर पे ही होते थे. सुबह पहुंचते थे रात में 11 बजे अपने घर जाते थे. वह शहरी और बिलावल. और उसके बाद फिर बिलावल नेस्कैफे बेसमेंट के सीजन 2 में आया इधर. फिर वो शहरी 3 में आ गया, 4 में मैं आ गया. फिर बिलावल क्योंकि फिर यहाँ पे ही रहने लग गया था लाहौर में, आधा राइट साल वो राइट इधर ही होता था राइट नेस्कैफे की वजह से. फिर उसने सेशंस भी स्टार्ट कर दिए थे, तो उसकी फैमिली भी फिर मूव हो गई लाहौर. ओके फिर शहरी और मैं भी मूव हो गए लाहौर. इनके फिर 3 साल से हम करके यही थे. फिर हमने यहाँ पे बैंड स्टार्ट नहीं किया था, हम इंडिविजुअल सब अपने अपने कर रहे थे सेशन, शहरी फरहान के साथ, मीशा के साथ, और अपना कॉल के साथ अपना इंडिविजुअल काम कर रहा था, बिलावल सेशंस कर रहा था. फिर हमने डिसाइड किया यार बहुत हो गया इतने टाइम से म्यूजिक नहीं किया, कुछ बैंड वगैरह बनाते हैं. फिर बिलावल के भाई के स्टूडियो में जैन काम करता था, वो भी दोस्ती थी उससे. फिर उससे हमने बात की, वो ऑन द पीरजादा बॉय बनाओ या जैन पीर ज्यादा, चलो करते हैं बैंड बनाओ. तो फिर हमने जब पहला जैम किया था तो वी केम अप विद तूफान. ओके तो वो तूफान हमने बनाया. फिर उसके बाद जैन के साथ हमने ऐलाने जंग भी किया और जैम्स चल रहे थे. फिर रिसेंटली लास्ट ईयर अनान आया बैंड के अंदर, क्योंकि वो भी दोस्ती थी और वो जैम वगैरह हुआ और फिर एक कनेक्शन बन गया. वो सैनर्जी आपको पता है, जब लाइक बिल्कुल माइंडेड बिल्कुल मिल जाता है तो फिर वो साउंड ही फर्क हो गया बैंड का. हमने बोला ये तो वही सीन ऑन है हाँ, और करते देयर वाज उसको. वन थिंग जो अनान के ज्वाइन करने की एक और जो बड़ी वजह थी, वो हमारी ना जब बीच में कॉन्सर्ट जब थोड़ा सा शुरू हुए, तो वी वर प्रेपिंग फॉर सम कॉन्सर्ट्स ना, एक और ब्लम्पी एन एल एम एम, तो हमारी क्योंकि गिटार अरेंजमेंट्स बड़ी स्टैक्ड अप हमने रखी होती हैं इन द सॉन्ग्स. सो अब ऑब्वियसली मैं भी गिटार बजा रहा था, बट आई हैव टू सिंग एज वेल, सो देर आर लॉट ऑफ पार्ट्स दैट गो मिसिंग व्हाइल आई सिंग. आई एम वर्किंग एट इट, बट राइट नाउ आई एम नॉट देयर येट कि मैं जेम्स हेटफील्ड की तरह वो रिफ्यू बजा रहा हूँ. जेम्स सो देयर वाज दिस पॉइंट जहाँ पर वी रियलाइज कि वी नीड अनदर गिटारिस्ट फॉर द शोज स्पेशली, बिकॉज वी हमारा टारगेट ये है कि लाइव परफॉर्मेंसेज शुड बी एज क्लोज एज द रिकॉर्डिंग, इट शुडंट चेंज अ बिट. सो उसके लिए नान व्हेन ही गॉट ऑन बोर्ड फॉर द शोज, वी क्लिक्ड फॉरन. हमने कहा यार ये तो बहुत एक नई साइड खुल गई है, सोलोस भी इनहांस हो गए थोड़े. सो वो एक बड़ा एक अच्छा फीचर ऐड हुआ बैंड हम वो कबलुम्बी वाली वीडियो देख रहे थे एंड माय वाइफ वाज लाइक ये कितने गिटार वाले लोग हैं स्टेज पे, इतने सारे तो नहीं होते. एंड इट वाज लाइक 3 गिटार्स और प्लस एक बेसिस्ट और मतलब वॉल ऑफ साउंड. बट में. अच्छा, उमेर यू आर बेस, यस वेरी गुड ब्रो. मैं भी एक जमाने बेस बजाता था, तो मेरी बहुत आगे जो है ना बट अच्छा, तो देन नेस्कैफे बेसमेंट इज अ वेरी, आई एम वेरी क्यूरियस. आई आस्क पीपल, एक दो और भी लोगों से कभी बात हुई है, लाइक आई स्पोक टू मारिया उनेरा, हाउ यू नो शी एंड पार्ट ऑफ इट वाज हाउ शी गॉट टू नेस्कैफे बेसमेंट. हाउ डिड यू गाइस गेट इन्वॉल्व विद नेस्कैफे बेसमेंट? वही आई वुड से सीजन 2 में बिलावल मेड दिस ड्रम वीडियो ऑफ हिज, यू नो, सो उसने अपलोड की, तो जुल्फा ने उसको मैसेज किया कि यार मुझे आई वांट यू इन दिस सीजन ना, इन सीजन 2. सीजन 2 में फिर देयर वाज दिस सॉन्ग जो मिसबा गिटारिस्ट ऑफ कीड़े मकोड़े उसका था. सो दे वर लुकिंग फॉर दिस रॉक वोकलिस्ट उस गाने के लिए. So I remember Bilawal calling me up, यार they're looking for a vocalist and I've shown them na your videos Zulfay ko. तो उन्होंने देखी सारा कुछ हुआ, बट उस टाइम पे वो ना हो नहीं हुआ वो सीन. वो फिर उस्मान शेख ने गाया वो गाना और वो खत्म हो गई बात. फिर जब बिलावल वापस आया बेसमेंट से, वी डिसाइड किया यार हम एक गाना करते हैं, यू नो. तो हमने फिर अंधेरा किया द सॉन्ग. तो जब वो रिलीज हुआ तब मुझे याद है, मुझे जुल्फा की कॉल आई थी एंड आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा यार ये कॉल आ गई डायरेक्ट, यू नो, एंड यूज रियली अप्रिशिएटिंग एंड बहुत खुश थे. एंड उस टाइम उन कॉल पे कहा कि यार हम पिछले सीजन तुम्हें ट्राई कर रहे थे, लेकिन आई वांट यू इन द नेक्स्ट सीजन. सही सो सही वहां से मेरी सीजन 3 के बाद से मैं वहां आ गया. उमेर केम इन सीजन 4, उमेर गेव हिज ऑडिशन इन कराची. सो वो हुआ. उसके बाद से हम लोग थ्रू आउट कॉन्सेंट, मी बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टीम एज वेल, तो मेरा तो एक थ्रू आउट एक मेरे यहाँ शिफ्ट होने की वजह भी यही थी कि आई यूज टू ट्रैवल सो मच फ्रॉम कराची टू लाहौर.
मैंने कहा यार मैं यहीं रह जाता हूँ, मैं क्यों इतने अपनी जिंदगी रिस्क में डाल रहा हूँ जहाज में जा जाके। तो फिर आई शिफ्टेड हेयर, उमेर ऑल्सो फिर केम हेयर, सो वो सारे फिर इधर ही आ गए। अब ब्रो अ स्मॉल साइड नोट, नेस्कैफे बेसमेंट की मैंने वीडियोस देखी थी इन व्हिच यू फीचर्ड एंड देन ऑब्वियसली कराकरम, योर वॉइस चेंज्ड प्रीटी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम योर अर्ली नेस्कैफे बेसमेंट। उस वक्त इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ पॉप पंक काइंड ऑफ वॉइस, एंड देन 2-3 साल बाद ना वो एक जो सडन लीप इन डेप्थ और वजन जो आया, वाज दैट समथिंग यू वर अवेयर ऑफ लाइक कि ये हो गया मेरे साथ, और डिड यू चेंज समथिंग कॉन्शियसली? There was a lot of learning along the way अच्छा in basement. I mean, अभी भी constantly I learn from each project we do anything. तो मेरा एक ट्रांजिशन जो थी वो उसकी मेजर जो इनपुट था वो बेसमेंट का ही था, एंड द प्रोजेक्ट दैट आई डिड विद जुल्फी। तो ऑब्वियसली देर वॉज अ लॉट ऑफ देर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो के अलॉन्ग द वे आई डिस्कवर्ड, लाइक दिस फ्राई वोकल टेक्निक्स, दिस स्क्रीमिंग टेक्निक्स। तो वो बेसमेंट के ही गानों में से कल नहीं वॉज अ ट्रैक वेर आई डिस्कवर्ड दिस टेक्निक, क्योंकि हम वर फिगरिंग आउट दिस वर्स पार्ट जो कि मैं नहीं समझ आ रहा था क्या हो। सो आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड एंड ऐसे मैंने ट्राई किया, तो वो जुल्फे लाइक यार ये करो, एंड आई वाज लाइक ओके अच्छा ये भी हो सकता है। लेटर देन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे थोड़ा इसका मैंने घुस के भी देखा कि यार ये है क्या सीन, तो इट टर्न्स आउट दैट आई एम अ टेनोर सिंगर, सो आई हैव रिलेटिवली हायर पिच देन नॉर्मल वेल मेल वोकल्स। सो उस वजह से मुझे स्क्रीमिंग में भी हेल्प हो जाती है, बिकॉज़ आई कैन स्क्रीम हायर। ये सारी लर्निंग्स अलोंग द वे थी, एंड एक इट जस्ट जमाने में हैपेंड। ना अर्ली 2000s में जब वो पहला पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स हुआ था, और उसके बाद फिर बहुत सारे देन अंडरग्राउंड बैंड्स बिकेम लाइक ह्यूज मेनस्ट्रीम नेम्स, नेस्कैफे बेसमेंट से भी ना मुझे काफी वो वाली फीलिंग आई वेयर देयर सो मेनी पीपल हु वर इन्वॉल्व इंडिविजुअली जो पहले बैंड्स में थे, दे वर लाइक जैसे अली सुहेल वाज ऑन नेस्कैफे बेसमेंट एंड ही वाज लाइक जंबो जट में सिकंदर कमंदर एटसेट्रा, नाउ इन टक 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 का वोकलिस्ट अल्तमश अल्तमश, या ही वाज वो ब्रेकआउट स्टार एंड नाउ ही इज आल्सो इन टक टक एंड यू गाइस वर देयर। इट्स नॉट द सेम एज इन फुली फॉर्म्ड बैंड्स गॉट वॉल्टेड, बट इट्स लाइक ये इंडिविजुअल्स जो थे ना दे वर ऑल इन्वॉल्व इन दिस सीक्रेट गॉडफादर जुल्फी प्रोजेक्ट, और उसके बाद से जो है ना देर ऑल डूइंग देयर ओन थिंग। चले फिर आई थिंक वी कैन कम टूवर्ड्स हाउ द एल्बम स्टार्टेड कमिंग टुगेदर, ये नेस्कैफे बेसमेंट और उसके बाद वाले टाइम पे। व्हेन डिड यू गाइज रियलाइज कि अच्छा ये जो हम इंडिविजुअल गाने बना रहे हैं ये दिस इज हेडिंग टूवर्ड्स एन एल्बम, व्हेन डिड दैट हैपन? कोविड के दौरान ये रियलाइजेशन हुई थी बड़ी हार्ड। पिछले हाँ अच्छा ओके, तो लाइक पहले क्या प्लान था कि हम बस सिंगल्स बना रहे हैं, सिंगल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, इज दैट द सारे आइडिया? इतने बिजी होते थे अपने सब, क्योंकि इंडिविजुअल काम कर रहे हैं और यहाँ पे इतना सिस्टम ऐसा है ना कि आपको और 10 चीजें करनी पड़ती है चीजें चलाने के लिए अपनी लाइफ को, तो बिल्कुल सब इतने बिल्कुल बिजी होते थे कि किसी को समझ ही नहीं आता था। तो हमारा टारगेट यही था कि यार बस सिंगल्स निकालते रहेंगे हर 2-3 महीने बाद एल्बम में, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, मेहनत लगेगी, तो वो पता नहीं कोई कमिट कर सकते हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास डेमोज तो सारे तकरीबन रेडी थे, जितने गाने एल्बम में हैं ये हमारे पास रखे हुए थे, लेकिन फिर हमने जब कोविड आया फिर हम बैठे, हमने कहा कि यार एल्बम कर सकते हैं अब तो सब फारिग है ना, सही। छोड़ अब किसी के पास बहाना नहीं था कि यार मैं नहीं आ सकता, यार नहीं मेरा फला जगह गिग है। इट वाज ऑल द प्लेन फील्ड ना, कि कोई कहीं जा ही नहीं सकता था। तो आई रिमेम्बर आई वाज लाइक यार गाने बने हुए हैं, डेमोज हुए हैं, दो गाने शायद नहीं बने हुए थे, वो कोविड के टाइम पे डेमो बस बन गया। मैं भी सारा स्टूडियो सब सेटअप उठा के मैं घर ले गया था, जब व्हेन वी केम टू नो के लॉकडाउन होने वाला है, तो सारा मैं स्टूडियो उठा के घर लेके वहां पे मैं डेमोज भी बनाने शुरू हो गए थोड़े बहुत। सो जो दो फर्दर ऑन ट्रैक्स जो जिसमें बेखुदी और भूले थे, ये इनके डेमोज भी हमने रिमोटली बनाए। उसके बाद वी वर श्योर के यार टाइम है, विंडो है, हमें नहीं पता है कब ये नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन, व्हाई नॉट डू द एल्बम एंड जस्ट फिनिश इट। सही गाने बने हुए,
सो बस उस टाइम पे हमने, और हमारा प्रॉब्लम नहीं था शुरू से कि हम लोग एक सिंगल करते थे, उसकी वीडियो बना के डालते थे, फिर साल तक खामोशी, कोई कोई कहाँ बिजी है, कोई कहाँ बिजी है, वो कभी हो ही नहीं पाता था. बट दिस एल्बम ने बड़ी हमें हेल्प की है, सारे एक जगह आ गए, यू नो, एक 9 गाने एक साथ बन गए, निकल गए. सो ये एक बड़ी एक लर्निंग थी. और इट वॉज ऑल्सो रिस्की थिंग टू डू बिफोर, जब हम सोच रहे थे कि यार ये आजकल तो कोई एल्बम कर ही नहीं रहा, हम क्यों कर रहे हैं और कहाँ रिलीज करेंगे. आई मीन फिजिकल कॉपीज ना कोई खरीदता है, अब तो सिंगल्स ही आ रहे हैं. सो इट वॉज अ रिस्क दैट वी टॉक, बट आई थिंक इट टर्न आउट ग्रेट. आई थिंक बहुत जरूरी है, सबको करना चाहिए, सारे बैंड जितने भी हैं. ये एल्बम की फील ही अलग है, आप जो भी कह लो. नहीं, दिस इज अ ग्रेट पॉइंट दैट यू गाइस टॉक्ड अबाउट रीसेंट एक इंस्टाग्राम लाइव पे भी. तो ये मैंने अपनी जो एक लिस्ट है ना उसमें लिखा हुआ है, वी विल कम बैक टू दिस. लेकिन तो बेसिकली यू गाइस वर बिजी सेशंस वगैरह में बहुत बिफोर लॉकडाउन. तो दिस इज समथिंग आई वाज टॉकिंग टू ये कश्मीर वाले बॉयज आल्सो, उनसे भी लॉकडाउन में बात हुई थी पिछले साल. तो वो ये बता रहे थे कि 17, 18, 19 में कॉन्सर्ट्स और लाइव परफॉर्मेंसेस वगैरह पाकिस्तान में काफी बढ़ने लगी थी. वाज दैट योर एक्सपीरियंस एज वेल? या अच्छा. आई रिमेम्बर डूइंग शोज विद, आई हैव टूर्ड लाइक मल्टीपल सिटीज विद फरहान सईद, मीशा शफी. लेकिन बिफोर, मेरे ख्याल में 2 महीने कोविड से पहले, आई टुक दिस डिसीजन कि यार मैं सेशंस छोड़ रहा हूँ. बिकॉज़ देयर वाज दिस पोस्ट ऑन माय फेसबुक फीड जिसमें मैं ऐसी, वो जो आता है ना कि यू वर हियर 4 years back, और इस तरह उसमें आया एक मेरे पास पिक्चर आई अचानक सामने, किसी जगह की थी, किसी स्टेज की, और लिखा था यू वर हियर 4 years back और फरहान सईद का शो था. एंड आई सैट डाउन एंड आई वाज लाइक यार I have been playing sessions 4 years, और मैंने अपने बैंड के सिर्फ 2 गाने निकाले हुए, मतलब 4 साल में मैंने 2 गाने निकाले हुए, मैं सेशंस बजा रहा हूँ. सो इट वॉज अ टफ डिसीजन फॉर मी, एज आई इट वॉज सपोर्टिंग मी फाइनेंशियली एज वेल, सेशन पेज माई बिल एंड स्टफ, बट आई हैड टू टेक दैट डिसीजन टू मेक दिस बैंड गो फर्दर, बिकॉज आई न्यू अगर मैं नहीं करूंगा तो बाकी भी कोई नहीं करेगा. You know, so COVID से 2 महीने पहले मैं डिसीजन ले चुका था. मैं फ्रांस से मैं छोड़ दिया था बजाना, मीशा के साथ भी उससे पहले. सो आई वाजंट डूइंग सेशंस, पर फिर वो कोविड आ गया तो सारे ही फिर घर बैठ गया. तो मैंने, मुझे गालियां दे रहे थे सबके, यार देखो तुमने छोड़ा तो देखो उसके बाद क्या हुआ. या चलो, दैट्स ऑल्सो गुड एक तरीके से कि लाइव परफॉर्मेंसेज हो रही हैं. बिकॉज जब मैं पाकिस्तान में रहा था तो 2006-7-8 तक बहुत कॉन्सर्ट्स का सीन था, फिर उसके बाद हालात खराब हो गए, टेररिज्म हो गया. तो अगले 5-6 साल तक इट वॉज लाइक ऑफ है, मतलब लाइव परफॉर्मेंसेज ऑन अ बिग स्केल वर कंसिडर्ड अ सेफ्टी इशू. और फिर म्यूजिक चैनल्स भी खत्म हो गए, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स तो ये लोग करवाते थे छोटे छोटे फॉर यू नो टू फिल अप एयर टाइम वगैरह. तो चलो, आई एम ग्लैड टू हियर, एंड होपफुली कोविड जब खत्म हो जाएगा, वी आर होपफुली गेटिंग टुवर्ड्स ये साल के थ्रू ही कुछ बेहतरी हो जाए, तो दैट मींस दैट विल कम बैक. तो अच्छा, अब आपने सोच लिया है कोविड के शुरू में कि हम सब यू नो वी हैव टाइम, वी हैव कमिटमेंट्स, अब हमने ये एल्बम बनानी है, गाने भी शॉर्ट लिस्ट हो गए, सब कुछ हो गया. वेयर डू यू रिकॉर्ड? इज इट एट जुल्फीज studio? How does Zulfi get involved? So there are these two studios here in Lahore. Ek, there is a studio A that's Zulfi Bhai's place, and there is a studio B that jo ki yahan jahan main baitha hu. So शुरू हमने ऐलान जंग भी इसी तरह किया था कि हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी थी अपने एंड से कुछ डेमोज के लिए, और फिर हमने कहा यार हम ट्रैकिंग फाइनल फाइनल भी करते रहते, और फिर लेटर ऑन वी डिसाइडेड कि यार जुल्फे से भी हमने डिस्कस किया कि जुल्फे हम इस तरह सोच रहे हैं, एल्बम का प्लान कर रहे हैं, सो डू यू थिंक कि हम आपकी तरफ कर सकेंगे? तो ही वाज लाइक यस लेट्स डू इट. और मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करनी है, माइक और ये प्री एम्प्स एंड कंप्रेसर्स, लेट्स डू इट. और लेकिन उन्होंने हमें वार्निंग दी कि देखो ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग आए, तुम लोगों ने लीड लगाई और बस बजाना शुरू हो गए. इट वोंट बी लाइक दैट, इट वुड बी अ टेस्ट फर्स्ट, जिसमें हम फिगर आउट करेंगे अच्छा ये एम्प किसके साथ अच्छा लग रहा है, ये माइक. आई हैड टू डू 10 माइक शूट आउट बिफोर अ वोकल रिकॉर्डिंग. ज़ुल्फी का इंस्टाग्राम इज बेसिकली इस माइक से मैंने ये किया, और फिर मैंने ये सोचा, लेकिन इट्स रियली लाइक फॉर इक्विपमेंट नर्ड्स इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी,
Zulfi's Instagram. Yes, and that shows in the album, that shows in the production he does. Mm-hmm. Wo choti choti insights, they help a lot in building this huge sounding mixes and huge sounding, you know, songs. So, wo hamara ek decision tha. Humne kaha theek hai, to achhi baat hai, ispe to humari bhi learning hai. So let's do it. So bas humne phir sari recording, sab kuch, bahut sari cheeze re-record bhi humne wahi ki. So that's the advice. Okay. And was the recording experience itself, jis zamane mein, again, I keep sounding like a very old person, itna main budda nahi hu, but jis zamane mein, I used to be messing around with my friends in a band, or we were recording, or usmein to ye bhi tha na, ki hum the bhi sab bahut casual, like none of us had seriously learned music at some like proper place. Humne bas internet se tabs uthai, usse bajana seekh liya, gaana to gaana chalte gaye, phir apne gaane ban gaye. Or like we didn't do the thing, like we jammed for shows, but ye nahi tha ke metronome ke saath practice ho rahi hai, ye ho raha hai, wo ho raha hai. Some really specific shit. So then when I got to recording, so I was like, main to time hi nahi baith raha tha, which obviously is a very basic issue. But similar is tarah ka scene tha. Was there anything when you guys started recording where you were like, acha, this is like a whole different game? Yeah, were you fully sessions kar kar ke tum logon ko practice ho gayi thi? I mean, if I speak for myself, हम लोग पिछले महाल में 10 साल से recordings कर रहे हैं throughout, even at our home studios, at for different projects. So हमारे उस studio side में हमारे जरा ease था for tracking. और एक और edge करा कर हमको ये था कि हमने अपने सारे गाने arrange, rehearse सब कुछ कर लिए थे. Okay. So there were a lot of stuff जो कि पहले से ही decided था कि ये तो होना ही होना है. So वो उस process में जो चीजें jam पे बजी थी वो ही album में ही record हुई है, जो jam पे बजता था उससे हट के कुछ भी नहीं है. Okay. So yeah. So and how did you guys record? Was it like everyone doing individually? Yeah, just say I remember एक ज़माने में Rage Against the Machine, Audio Slave वगैरह जो थे, they would record together like as if they are jamming. Some bands do it individual, ek ek banda karke. How did you guys go about it? We record separately, although we would love to do such recordings jisme hum sare ek saath bajaye aur it will be tough. Nescafe but hota hai is tarah. Nescafe basically hota hai, lekin wahi baat hai ki as a band humne ye try nahi kiya, lekin we would love to. Acha, to album wali baat, then I just wanted to circle back on singles. You guys were also releasing singles, and everyone for a large segment of Pakistani music, jo pichle 2-3 saalon se ho raha hai, new people, singles hi kar rahe hain. Instagram live pe also you mentioned that you wanted to bring back album culture, or as you guys were deciding to make this album, as you were recording it also, why did you think putting out a full album? Ye chalo hum baad mein sochenge ke ye release honi ki tarah kaise hai. But why was an album important? There was no planning, to be honest. Humne bas karna tha. I don't know. There was nothing. It was nothing. I mean, seriously, humne na ye thani bhi thi ki yaar album culture le aaye wapas. You know, it just felt right. It just felt ki yaar ye karna hai. You know, agar gaane hain, to aur humara ek फायदा भी है कि हम गाने बना बड़े जल्दी लेते हैं इन द प्रोसेस. सबकी इतनी अच्छी एनर्जी आपस में होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा, कोई लड़ाइयां बहुत कम होती हैं, सब बड़े एक पेज पे रहते हैं. सो उस वजह से हमारा सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है. सो वी वर श्योर कि यार अगर कर ही रहे हैं, व्हाई नॉट डू एन एल्बम एंड सी वेयर इट लीड्स अस. दो गाने हम पहले सिंगल्स रिलीज कर चुके थे, दे वर गुड रिस्पॉन्सेस, बट द गैप वॉज समथिंग जो कि हमें figure out करना था कि जो बीच में एक एक गाने का gap है, either we do you know 4 songs and then release them one by one, or just you know put them out there. So it was just a decision जो कि हमने लिया और हमने कहा कर देते हैं. Zulfi was against it by the way in the beginning, कि यार नहीं album नहीं करो, singles निकाल दो. But I don't know कि किस point पे हमने ये decision लिया कि बस album ही है. अच्छा यार album का later on मुझे लगता है अब जाके मुझे रियलाइज होता है कि हम जब सिंगल्स निकालते थे तो तूफान हमने किया तो सारे रॉक वाले आ गए, ये रॉक बैंड आ गया, ठीक है. फिर रास्ता किया तो पिस ऑफ हो गए, यार ये क्या बकवास है. ठीक है,
तो एल्बम से फायदा ये हुआ है कि सबको कुछ ना कुछ मिल गया, जिसको जैसा गाना चाहिए था ना उसने एल्बम से अपना निकाला है और वो सुन रहा है सुकून से, किसी ने बैश नहीं किया, ये क्या बकवास सही सही सही। अच्छा विल है। ये दिस इज आल्सो अ ग्रेट पॉइंट जो कि मैं रिलीज वाले उसके बाद आऊंगा। अच्छा रिकॉर्डिंग प्रोसेस गई कैसी? व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वाज के इट सीम्स के पिछले 1-2 सालों में जुल्फी साहब इज द बिजिएस्ट पर्सन इन पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे प्रोड्यूसर क्रेडिट जुल्फिकार खान साहब का ना हो। एंड नाउ ऑल्सो ही इज वर्किंग विद यू गाइज। How busy is Zulfi man? He's just everywhere. यार, I mean, shout out to him, obviously, हंड्रेड के परसेंट इतना इतना वर्कलोड एंड मतलब 2-2 दिन हम ना नहीं सोए, 2 घंटे सो के उठ के अगले दिन काम। सो उस प्रोसेस के अंदर देर वॉज दिस वन थिंग जो कि हमारी एल्बम एक बीच में थी, बीच में पीएसएल के गाने आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारी एल्बम बीच में स्टक हुई हुई थी। सो देर वॉज दिस पॉइंट जहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग खुद भी जब भी कोई प्रोजेक्ट आता था इस तरह, वी अंडरस्टूड कि यार प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है हमारी, तो चले हम अपनी डेडलाइन खुद बना रहे ना, वी कैन बी फ्लेक्सिबल। बट जो ब्रांड्स हैं वो तो नहीं होते, वो तो कहते हैं जी इस फला तारीख को रिलीज है आप में, तो आप गाना दें। सही 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 बट जुल्फी वॉज लाइक थ्रू आउट वेरी कोऑपरेटिव। ही बीच में भी वो हमारे मिक्सेस करके हमें भेज रहे होते थे कि देखो मैंने अब ये कर दिया है कर दिया। सो देर वॉज दिस पॉइंट जहाँ पर हमने दिसंबर प्लान किया हुआ था एल्बम रिलीज करने का, और वो आगे हुए जा रहा था, बार बार हम डेट ही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन बस जब अभी मेरे ख्याल में महीना फेब स्टार्ट में हमने कहा यार एक गाना रह गया था मिक्स होना, बाकी सारे गाने हो गए थे, और आई गेस अलविदा वॉज द सॉन्ग। सो और थर्टीन बीच फेब में हमने डिसाइड किया था कि हाँ निकालेंगे। 13 फेब हमने डिसाइड किया कि यार चलो करते हैं वो। फिर बीच में ये पीएसएल का एंथम आ गया आपका, वो आगे बीच में, तो आई वाज लाइक यार हम अगर पुश करते रहेंगे ना तो ये तो आगे जाती रहेगी बात। तो हमने जुल्फे को बगैर बताए हमने डेट डाल दी, और डेट भी ऐसे नहीं डाली डेट ऐसे नहीं डाली कि कैप्शन में लिखी जो कि एडिट हो सकती है। हमने पोस्टर बनाया जिसपे अंदर वो टेक्स्ट फॉर्म में डाला कि वो एडिट भी नहीं हो सकती और फिर जब हमने डाली थी जुल्फे का मैसेज आया ग्रुप में कि आई हैव नेवर फेल्ट सच प्रेशर इन माय लाइफ एंड यू गाइस आर पुशिंग मी। सो लेकिन फॉर्चुनेटली ऑब्वियसली यार शाउट आउट टू हिम कि उन्होंने बिल्कुल टाइम पे हमें करके दे दिया। आई नो हम लोग आखिरी दिनों में तो हम लोग सुबह रात 12 बजे जाते थे, उससे उससे पहले शाम में जुल्फे किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। 12 बजे हम आते थे, 7 बजे 6 बजे तक हम काम करते थे, हम चले जाते थे, वो सुबह 10 बजे तक अगले प्रोजेक्ट पर काम करते थे। वाह। सो ह्यूज शाउट आउट टू हिम कि पता नहीं वो कैसे करते हैं, आई डोंट नो। जुल्फी साहब के पीछे ना, उनके पीछे भी मैं कोई 6-8 महीने से लगा हुआ हूँ कि बस यार पॉडकास्ट पे आ जाए आ जाए। बहुत बट मुश्किल है। मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं कहता कसम, लाइक ब्रो मैं जितना देखूं ये गाना भी जुल्फी ने किया है, ये बैंड भी जुल्फी ने किया है, तो कैसे होगा टाइम। बट या ओके ओके, व्हेन डिड यू गाइस स्टार्ट योर पेट्रियन एंड हाउ हैज दैट बीन? व्हाई डिड यू स्टार्ट इट? कैसा गया? कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ? क्या सीन था? ये पेट्रियन हैज बीन ग्रेट, आई मीन टिल नाउ। जैन वाज द वन हु केम अप विद इट, वो टका टका उसने बनाया था, तो ही वाज लाइक यार हम लोग भी बना लेते हैं। शुरू में हम थोड़े क्यूरियस थे यार, पता नहीं क्या होगा, लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे। फिर मैंने कहा व्हाट द हेल, बना लेते हैं, किसी ने अगर सपोर्ट करना होगा कर लेगा, बस हमारे यहाँ शर्माते भी है ना लोग सपोर्ट पहले, वो एक एक वो उस साइड चली जाती है बात की, देखो बेचारा पैसे मांग रहा है, वो एक सिचुएशन हो जाती है। तो हम उस शुरू में हम उसी माइंडसेट को लेके चल रहे थे कि नहीं यार अजीब लगेगा। फिर हमने कहा यार अब एक चीज है, एक फैसिलिटी है, एक जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है, व्हाई नॉट यूज इट। हमने खैर बना लिया, हमने बैठ के प्लानिंग की कि यार क्या क्या होना चाहिए इसमें, कवर्स होने चाहिए, क्या करना चाहिए, बीटीएस। सो जब व्हेन वी डिसाइडेड, तो एल्बम की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो हमने एल्बम की रिकॉर्डिंग भी फिर थ्रू आउट बीटीएस कर लिया, उसको रिकॉर्ड सही कर सही लिया। सही सो हमने जब पेटेंट बनाया तो हमने एक वीडियो बना दी छोटी सी कि जी हम इसमें ये देंगे और ये करेंगे, और फैंस जो होंगे उनको ये चीजें मिलेंगी, और खैर हमने बना लिया। लेकिन सरप्राइजिंगली इट्स बीन ग्रेट, आई मीन हमारे एल्बम की मास्टरिंग जो है वो सारी पेट्रियन के इनकम से हुई है, ओके सारे गानों इनफैक्ट की। बेखुदी की वीडियो भी हमने उसी के पैसों से की यस है।
बेखुदी की वीडियो हमने पेट्रियन राइट नाउ ऐलान जंग के बाद एक स्पाइक आया पेट्रियंस का, सो राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट लाइक 22 पेट्रियंस राइट नाउ एंड इट्स एक्युमुलेटिंग इन अ गुड सम अमाउंट जो कि जिस जो हमें मंथली हमें बैंड फंड में जा रहा है, इट्स गोइंग ग्रेट. आई मीन आई वुड सजेस्ट एवरी बैंड टू डू इट. वो शुरू में थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है पर आगे जाके आपको सपोर्ट करने वाले लोग, प्रेशर हमारे ऊपर से खत्म हो गया जो हम अपनी सेविंग्स से जॉब्स करके पैसे जमा करके डालते थे ना बैंड के ऊपर, और वो साल साल भर का एक ब्रेक आता था कि वीडियो करनी है तो यार अब सेविंग्स करके पैसे जमा कर रहे हैं बैंड चलाना है. हमारा बैंड है हमारे बेबी की तरह है, उसको पाल पोसता है. तो वो एक प्रेशर हमारे पेट्रियन से खत्म हुआ है बहुत ज्यादा, और थोड़ा इजी अब जल्दी भी काम हो रहे हैं उसी वजह से, क्योंकि फाइनेंस ही होता है जिसकी वजह से ज्यादातर काम अटकते हैं. या और क्योंकि स्पेशली कोविड के जमाने में भी बस पाकिस्तान में एल्बम सेल्स और रॉयल्टीज का तो कॉन्सेप्ट इतना है नहीं, कॉन्सर्ट्स भी इतने नहीं हो रहे, प्लस यू गाइस वर चलो वैसे भी बिजी भी थे. नहीं, ज़ैन वाज रिसेंटली टॉकिंग अबाउट दिस ऑन हिज पॉडकास्ट एपिसोड विद काजी, क्या कहेगा काजी, के टकटक को भी इसी तरीके से फायदा हुआ. वो वर देयर, अच्छा एल्बम तुम लोगों ने बना ली, रिलीज कर दी, अभी इट्स ओनली बीन लाइक लेस देन अ वीक इवन, एंड यू गाइस आल्सो हैव एन एक्टिव पैट्रियन. रिएक्शन में व्हाट I was wondering if there was anything that you were not expecting, like the fact ke logon ne specific gaane utha ke like they resonated with people for some reason and you guys are like acha ye to humne socha hi nahi tha, or you have listeners, fans, Patreon, kyunki waise bhi Pakistan se bahar chalta hai, people supporting you from places you would not expect ke acha yahan bhi hamare gaane sun rahe hain, aise koi scene the? Yeah, a lot of instances. Ek cheez jo hame sabse zyada वो करती है ना कि यार जब तक के लिए कोई बंदा गाड़ी में अपना गाना ना, कोई गाना ना चलाए ना, उस गाने का सीन नहीं है. ये एक होता है ना कि वो बेस आ रही है. सरप्राइजिंग इतनी सारी वीडियोस मिली कि वो गाड़ी पे चल रहे हैं गाने, यू नो पीपल आर ट्रैवलिंग एंड लिसनिंग टू आवर सॉन्ग, सो वो एक बड़ा सरप्राइज था, वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट. रॉक गाने लोग गुजारते तो बूम वाले गाने जो सब जिसमें होता है वो सुन रहे होते हैं, वो एक सरप्राइज था. जिम में लोग हमें स्टोरीज डाल के भेज रहे हैं कि हम जिम में सुन रहे हैं. कवर्स के लिए हम बहुत सरप्राइज थे कि अभी दो दिन हुए गानों को आए हैं. Yeah, people are putting up covers. They've sent it as wow. like we've seen like 10 to 11 covers till now. So ये एक सरप्राइज था बड़ा हमारे लिए. Very good. Okay, that's great. Or Patreon पे are your where are your supporters from? Like are they all Pakistani people? Do you know? कुछ पता है? Yeah, India से है, Bangladesh से है. India है. Okay. From all around, mostly Pakistan से ही obviously, but yeah, इधर उधर से भी है, वो भी पाकिस्तानी नेशनल है जो के बाहर चले गए, इस तरह के लोग भी हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, you know, they see के यार कुछ हो रहा है यहाँ पर, so उस तरह के लोग हैं. I do appreciate ये जो पाकिस्तानी रॉक वगैरह की वीडियोस डलती है ना, उसपे हमेशा थोड़ा सा आप स्क्रॉल करें तो लव फ्रॉम इंडिया भी एक जरूर होता है कि पाकिस्तान हैज अमेजिंग बैंड्स, काश इंडिया में भी होते. एंड आई वाज लाइक ब्रो अच्छा वेरी गुड. तो देयर वर अ फ्यू थिंग्स अब आफ्टर द एल्बम, आई लिसन टू द एल्बम एंड आई वाज अ ह्यूज फैन, और मैंने भी बहुत स्पैम किया इधर उधर ट्विटर वगैरह पे. व्हाट इट्स वेरी अर्ली, अभी तो रिलीज हुई है, बट were there any plans that you guys had, halat permitting, ke album release hogi to you know we're going to do like shows for it, ye is tarah kya scene tha, or is everything still up in the air covid ki wajah se? No, we are planning ye Karachi ka show ek aa gaya aur humne bhi is pe socha hua hai ki march mein we'd be doing this national tour jisme hum lahore, islamabad, karachi ye to hum karenge hit. So karachi ka fortunately is tarah aa gaya, lahore, islamabad we'll be doing in march. So wo hum khud hi karna cha rahe hain. Rearts is helping us in pulling that off, azim. So hamara usse discussion chalti rehti hai. Launch show we were planning but wahi hai ki covid, aur we were very skeptical ke yaar ye लोग आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, यू नो सेफ्टी कोई हैजर्ड ना हो जाए. सो वो एक छोटी सी चीज थी जो कि हम नहीं कर सके, लेकिन नाउ नोइंग कि कॉन्सर्ट्स थोड़े बहुत हो रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू डू दीस थ्री सिटीज एट लीस्ट बिफोर रमजान. ओके यार हाँ, कॉन्सर्ट से मुझे एकदम से बात याद आई, यू वर मेंशनिंग एट द स्टार्ट कि यू वांटेड
the sound to be as close to the album as possible. Random एक जो मुझे memory याद आई है वो ये है कि कुबलुम्पी वाली जो video थी उसमें like it really for a second I was like bro ये तो it's close enough कि गाना इन्होंने पीछे से चला दिया and all of that is like fully live. Yeah. Bro, that is like बहुत ज़्यादा high quality performance. इतना इतना मुझे like expectation किसी से भी नहीं थी पाकिस्तान बाहर कहीं से. It's like यार हमें पता है फायदा क्या होता है. शहरी क्योंकि music producer है अब इसको sound पे भेजते जाओ sound पर ये जाके पूरे band का जाके वहाँ पे sound check में खड़ो के ये frequencies काटेगा ये curves बनाएगा सारा set करके okay. तो वहाँ पे जो लोग actually सुन रहे होते हैं ना उनको भी बड़ा मजा आ रहा होता है कि clean and crisp sound आ रहा होता है पूरा एक wall of sound guitar तीन गिटार बजा रहे हैं एक साथ तो कबाड़ा हो सकता है यू नो सो हमने हम अब जैसे हमारा 13th को शो है तो वी हैव बीन रिहर्सिंग ओनली गिटार्स राइट नाउ सो हम तीनों बैठते हैं बेस गिटार्स तीनों गिटार्स एंड वी फिगर आउट पार्ट्स कौन गिटार कौन सा पार्ट बजा रहा है एंड देन वी put the fader all equally ke tino guitars ke level ek honge taki samne jo bhi banda hai usko kuch na karna pade har patch change ke baad ya har gaane ke baad tino ke balance mein koi fark na ho because balance mein agar fark hoga to wo phir kuch aur lagne lagega sahi so ye ek practice hum karte hain matlab thoda apne out of a way jaake ke we do these little things jisme hum thoda sa pehle practice kar lete hain is cheez ki kya क्या होना है शो पे हाँ क्योंकि ऑब्वियसली हर शो पे तुम्हें तो नहीं पता कि साउंड वाला कितना एक्सपीरियंस्ड है क्या कितना यू नो वो एक जमाने में ये भी होता था कि चार पांच बैंड्स का कॉन्सर्ट हो रहा है ना अच्छा साउंड चेक हो गया साउंड चेक करके फेडर्स जीरो अब अगला बैंड अब तुम्हें याद थोड़ी है कि उसका क्या होगा बस फिर आप जब ने आपने परफॉर्म करना शुरू किया तो बस अल्लाह मालिक हो गया तो हो गया बट योर सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर टू जो पिछले कुछ सालों से फू फाइटर्स का भी जो सेटअप है क्योंकि उनके भी बहुत सारे गिटारिस्ट हैं एंड कीबोर्ड और ये एंड एवरीवन हैज टू डू वेरी स्पेसिफिक पार्ट्स स्पीकिंग ऑफ दिस आई फाइंड सम थिंग्स व्हेयर आई एम लाइक यार ये गाना आई थिंक आई सी इस तरह की इन्फ्लुएंस कमिंग थ्रू ये वो बट आई वाज इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू गाइस हु आर योर लाइक इन्फ्लुएंसेस बिग टाइम इन्फ्लुएंसेस एंड ओवर द इयर्स क्योंकि तुम लोग 10-12 साल से कर रहे हो हैज दैट चेंज्ड Yes, for me, मेरा एक constant influence रहा है वो Linkin Park रहा है 2000 से लेकर उससे भी पहले से लेकर अब तक then along the way there were a lot of bands जो कि मैं सुनता रहा हूँ जिसमें हर किस्म का band है these days I'm listening to Bring Me the Horizon Architects थोड़ा heavier side but at the same time I'm also listening John Mayer you know इस तरह के bands Adele तो there's this mix going on Pineapple Thief. So there's this mix going on. Pineapple yeah. Thief. I don't even know of the name Pineapple Thief. ये भी है. बड़े अच्छे. Yeah. Okay, so, okay. so there are so many bands out there कि आजकल तो आप किसी एक जगह टिक ही नहीं सकते. आप कहते हो यार ये अच्छा band कर रहा है ये चीज वो अच्छा कर रहा है. So and as a producer मेरे लिए भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं current music सुनता रहूँ. Right. You know keep myself up to date. So वो right. भी एक throughout रहा. लेकिन अगर मुझसे एक band पूछे कौन सा band है वो Linkin Park है. Bro, Linkin Park is generation को उन्होंने हिला दिया. Umair, what about you? Yes, same ही है हमारी तकरीबन सबके एक आधा बैट शायद ऊपर नीचे होगा जो चीजें सुनते हुए आया ना निर्वाणा Linkin Park Alter Bridge सारा कुछ मेरा ख्याल है एल्बम में रिफ्लेक्ट भी होता है हाँ, Alter Bridge है क्योंकि one चलो Linkin Park तो you guys even did a cover इधर उधर Linkin Park का but Bring Me the Horizon और Alter Bridge मुझे थोड़ा ना सुनाई दिया in your album And I was like, शायद मुझे लग रहा है, or maybe these guys are influenced by it, but that's great, that's very good. And also, production quality में फर्क नहीं लग रहा, like you know, एक like it is at that level कि you're not like this is someone trying to play like Alter Bridge. This is like, हाँ, they're influenced, but they've done their own thing and sound quality उसी level की है. So again, like major props इस वाली बात पे. Another thing you guys talked about on your recent Instagram live was that you guys were also open to the idea of collaborations. So, uska kya scene? Is that something you've thought about a lot, or is it just like, haan, agar ho gaya, to ho gaya?
नहीं नहीं वी आर प्लानिंग ऑन इट. हम एल्बम अगला तो टू, प्लान ही यही है। हाँ हम सोच रहे हैं कि 2021 में हम एल्बम टू भी निकालें किसी तरह करके, भले एंड में हो लेकिन कर रहे हैं. हमने डेमोज करना शुरू कर दिए हैं, और हमने शॉर्टलिस्ट भी लोगों को करना शुरू कर दिया है जिनके साथ हम खुल एक लिस्ट बना ली बड़ी एग्जॉस्टिव, जो बहुत जबरदस्त लोगों की, जो कि हमें सही। पता है बहुत सबके साथ से हम कर भी ना पाए, बट हमने एक लिस्ट बना ली है. और हम डेफिनेटली हर गाने में एक ना एक बंदा उसमें फीचर करेंगे, बी एट म्यूजिशियन, शायद दो भी लोग हो जाए. तो हम हमारा प्लान ये है कि नेक्स्ट एल्बम उसमें हर गाने में कोई ना कोई फीचर होगा, जिसमें एक बड़ी लिस्ट है. सो वी वेरी आर गुड, प्लानिंग वेरी टू डू गुड। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट वीडियोस? कोई मजीद वीडियोस के प्लान? या वी आर प्लानिंग अ फ्यू वीडियोस. लेकिन वीडियो का प्रॉब्लम होता है कि हम लोग आइडिया जब सोचने बैठते हैं वो इंटरस्टेलर लेवल पे चली जाती है बात, और फिर वो जब हम बजट देखते हैं तो वो पेनीज होते हैं, हम कहते हैं यार ये कैसे होगा. सही सो हम बहुत फंसते हैं वीडियो में. लकीली जैन हैज बिन ग्रेट हेल्प, क्योंकि वो वीडियो वीडियोग्राफी करता रहता है, इज बिन रिसर्चिंग विद लेंसेज, सो वो बेखुदी इसने पूरी खुद पुल ऑफ की. सो वो इस तरह करके हम अभी ऐसा ऐसा करके आ रहे हैं उस रेल में, लेकिन वी आर प्लानिंग कि हम खुद ही करें इन हाउस, बजाय कि हम लाखों रुपए जमा करके एक डायरेक्टर से करवाएं. वी हैव रियलाइज कि दिस फॉर्मूला इज वर्किंग फॉर अस, कि हम खुद ही बनाएं. उसमें ऑब्वियसली कोई कोई एक एज हो, एक एक्स हो जो कि हमारी वीडियो फर्क लगे, और वो एज एक्स हमारा परफॉर्मेंस भी होता है अक्सर, कि हम परफॉर्म बड़े पागलों की तरह कर रहे होते हैं वीडियोज में भी, लाइव में भी. सो उसको हम कैप्चर करते हैं और गाने के हिसाब से कर लेते हैं. सो अभी वी आर प्लानिंग टू वीडियोस इन द कमिंग मंथ. होपफुली ये टूर्स वाली सिचुएशन थोड़ी सी इजी होगी, हम फिर रमजान में होपफुली शायद हम कर रहे हो. सो या देर आर अ फ्यू वीडियोस इन पाइपलाइन. एंड ऑल्सो क्योंकि अब तो इन द रिसेंट इयर्स जब से YouTube कल्चर बढ़ा है तो सबके पास कैमरास और लाइक स्किल्स भी काफी प्रॉपर हो गई हैं, तो वो तो लाइक बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल पे जाओ तो फर्क लगता है कि अच्छा दिस वाज अ बिगर प्रोडक्शन, बट क्वालिटी लाइक बेखुदी की वीडियो इससे पहले वाली वाज इट तूफान, रास्ता फिर तूफान. तो लाइक उनमें भी यू कांट रियली, वर दोज ऑल्सो डन विद लाइक सम मेजर डायरेक्टर या बिकॉज उनमें और बेखुदी में मुझे क्वालिटी वाइज कोई बहुत फर्क नहीं दिखा, लाइक देयर ऑल गुड। That's great. That's amazing. I mean, Tufan was the first video जिसमें हमने we went with a DOP, आमिर मुगल, which was a great DOP. उसके बाद फिर रास्ता के लिए भी we planned him, but उसके schedule का थोड़ा issue हो गया था, so we हमने हमने कहा खुद कर लेते हैं, जो भी हम खुद कर लेते हैं. वहां से भी थोड़ा confidence आया कि अच्छा यार ये तो हो सकता है, it's not that bad. तो बेखुदी भी फिर खुद की. सो अब हम इंडिपेंडेंट एक तरह से खुद ही डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस सब खुद का डिस्ट्रीब्यूट, तो रियाज में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम वही है कि जो चीजें खुद हो सकती कर रहे हैं. अच्छा ऑल्सो आई लाइक आई थिंक तूफान की थी ना विद द बिग प्लास्टिक वो आमिर शीट्स, मुगल कमाल बंदा है वैसे, वो पूरा आइडिया वो लेकर आया था ये शीट्स, क्योंकि वो हमने बोला काफी था भाई नेक्स्ट लेवल पैसे था. नहीं है, पैसे हाँ नहीं है क्या करोगे या 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 वो कहता है मैं कर लूंगा, आप सेट पे पहुंचे तो उसने शीट्स लटकाई भी थी पूरा, उसने आइडिया पुल ऑफ किया हुआ था, नहीं, दैट तो वाज आमिर वेरी मुगल से लाइक बड़ी। विजुअली बहुत ही कूल बाय द आइडिया वे था. आमिर मुगल, अभी अगर आपने पेशावर जर्मी का वीडियो देखा हो तो वो भी उसी टीम का वो भी हिस्सा है, आमिर मुगल है. कैमरा अच्छा जी अच्छा डीओ अच्छा उसके अच्छा अंदर। ऑल्सो अ क्रेजी वीडियो. आई वाज लाइक अच्छा वो वीडियो देखी ना, अल्तमश का नाम बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद बैंड्स, तो आई थिंक ऑफ टका टक, नॉट इंडिविजुअली अल्तमश. अब्दुल्ला सिद्दीकी इज अ सिंगल लाइक अकेला सिंगर. आई वाज लाइक अच्छा अब्दुल्ला सिद्दीकी फीचरिंग अल्तमश, अच्छा होगा कोई अल्तमश. आई वाज लाइक ओ अल्तमश ये वेरी गुड. एंड ऑल्सो शाउट टू जैन, ये भी बॉय जो है ना, मतलब ये पहुंचा हुआ है हर जगह, मतलब म्यूजिक में वीडियोस में कर रहा है. अच्छा री आर्ट्स इज अ गुड थिंग, आई हैव बीन फॉलोइंग री आर्ट्स ऑन इंस्टाग्राम इधर उधर, एंड आई एम सीइंग के दे आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल. आई डोंट नो देम पर्सनली, तो ये मैं सवाल उनसे भी पूछ सकता था, लेकिन मैं तुमसे पूछ लेता हूँ. व्हाट इज री आर्ट्स डू? आई एम वेरी क्यूरियस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज देयर मॉडल और व्हाट सर्विस डू दे प्रोवाइड. या देर अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम फॉर एन आर्टिस्ट, अ थिंग जो के रिकॉर्ड लेबल भी करता है एंड डिस्ट्रीब्यूटर. सो इनिशियली दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल करना गाने सब कुछ, बट नाउ दे आर ऑल्सो डाइविंग इन टू रिकॉर्ड लेबल.
वो बेसिकली बड़ी अच्छी एक आपको नॉमिनल ज्यादा बैंड को तबाह करने वाली डील नहीं देते, बड़ा इजी आपको रखते हैं, बड़े फ्रेंडली वे में दे यू नो डिस्ट्रीब्यूट, दे हेल्प हमारा, मतलब बहुत सारा काम दे डिड. आई मीन एल्बम आर्ट हमारा, वी वरंट श्योर हमने क्या बनाना है, फोटो शूट हमारा शूट पे उन्होंने करवाया, एल्बम आर्ट बनाया भी उनके साथ मिलके. सो एक्सेलेंट आई यार, थिंक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सर्च इंजन हाँ ऑप्टिमाइजेशन है, पीछे हमारा कैटलॉग आर्काइविंग सारी खराब हुई हुई थी, करा करा मैं ऐसा बैंड के पोर्टफोलियो अगर कोई सर्च करे तो हमारे बैंड के ही गाने शो हो, हमारा ही बैंड आए, वो ब्राजील का भी एक कोई बैंड है उसके भी गाने ऐड हो रहे हैं, वो सारा कुछ उन्होंने अलाइन करके सेट करके प्रोफाइल उन्होंने इंटरनेट पे अच्छा सेट कर दी है हमारी, या कराकरम यही बैंड है, इनके ये गाने हैं, वो पूरी एल्बम वगैरह आप अच्छा गूगल पे भी सर्च करें ना वो आ जाता है टॉप शोज के अंदर, टॉप राइट राइट. रिजल्ट्स में। क्योंकि हमने ना एक दो लोगों के साथ बात भी की थी, फिर वन ऑफ आवर एपिसोड्स वाज आल्सो अबाउट पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री एंड यू नो हाउ दो तीन दफा ऐसा हुआ कि देयर वाज लाइक अ राइज, और फिर बीच में उस राइज में बहुत सारी शेडी प्रैक्टिसेस भी थी, और फिर ड्यू टू वट एवर रीजन वो राइज भी खत्म हो गया, और क्योंकि वो प्रैक्टिसेस भी ऑल्सो वर नॉट द बेस्ट, तो कोई सेटअप बन नहीं सका. बट अब जो सीन शुरू हो रहा है, दैट लास्ट राइज वॉज बिफोर सोशल मीडिया, बिफोर स्ट्रीमिंग सर्विसेज, बिफोर यूट्यूब. तो नाउ दैट दिस इज हैपनिंग एंड बिकॉज बैंड्स एंड पीपल देमसेल्व्स हैव सो मेनी मोर स्किल्स अवेलेबल टू देम, मतलब आप अपने गाने खुद डाल दो, और यू हैव पीपल लाइक स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो इतना कुछ प्रोवाइड कर रही हैं ऑन एन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल. क्योंकि तुम लोगों को भी 2000s वाला तो याद होगा, फायर रिकॉर्ड्स और आग टीवी और ये वो सब कुछ, एंड ऑब्वियसली यू नो ऑल दीज मेजर आर्टिस्ट जो हु एक्सप्लोडेड एट दैट टाइम. डू यू थिंक ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज वाली दुनिया और पेट्रियन यूट्यूब और अब तो स्पॉटिफाई पाकिस्तान में भी आ गया, डू यू थिंक दिस ऑफर्स अ मोर स्टेबल सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड टू बैंड्स और आर्टिस्ट और हुएवर कंपेयर टू द पास्ट ट्रेडिशनल रिकॉर्ड लेबल म्यूजिक चैनल? यार मुझे लग रहा है अभी ये चीज एवॉल्व हो ही रही है, स्टेबलाइज तो अभी ये सिस्टम ग्लोबली भी नहीं हुआ है, और हमारी बदकिस्मती ये है ट्रेंड्स जो बाहर आके खत्म हो जाते हैं ना फिर वो पाकिस्तान में डाइव इन करते हैं, अब जैसे स्पॉटिफाई को बैश कर रहे हैं बाहर की ग्लोबल आर्टिस्ट कम्युनिटी के, ये लोगों को इनफ पे नहीं करते, एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन वही चीज अभी पाकिस्तान में हो रही है तो सारे अभी खुश है कि चलो आर्टिस्ट, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो चलो कुछ ना होने से कुछ बेहतर है वाला सिस्टम आ रहा है यहाँ पे, के लोग कह रहे चलो कुछ अब कुछ तो मिलेगा, स्पॉटिफाई पाकिस्तान आ रहा है तो इस वजह से भी बड़ा एक वो रहता है कि एजुकेटेड हम लोग खुद नहीं होते हैं ये ट्रेंड्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या चीजें इवॉल्व हो रही हैं, अब आगे जाके क्या कैनवस होगा डिजिटल म्यूजिक का क्या, अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि कंटिन्यूसली चीजें चेंज हो रही है रैपिडली, हर कोई 3-4 साल बाद तो एक कोई नई चीज आ जाती है। ओके, बट ओवरऑल आर यू होपफुल के थिंग्स माइट गेट बेटर? होपफुली लोग सीख रहे हैं, तुम लोगों के म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट होगा बिल्कुल या बिल्कुल, ओके आहिस्ता मतलब आहिस्ता मुझे लगता है ये सेटल हो जाएगा क्योंकि रियार्ट्स के साथ काम करके हमारी भी बड़ी आंखें खुली है, वरना हमें भी लगता था यार खुद कर लेंगे यार इसमें क्या मसला है, लेकिन वो बैक एंड वाली जो चीजें है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एल्गोरिदम्स है, पता नहीं क्या क्या है, मतलब वो अच्छा ही है कि आर्टिस्ट ना ही घुसे इसके अंदर, जिसका काम है ना उसको ही करने दें, आप बिल्कुल म्यूजिक बनाए आप ये टेंशन ही ना लें। या क्योंकि स्पेशली मतलब चलो गाने बनाना और फिर उन्हीं गानों को रिकॉर्ड करना ये तो फिर भी करीब करीब चीजें हैं, बट अब तुम डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सीखो, मतलब सांस ना लो, यही चीजें यही होता रहेगा. ओके गाइस, आई थिंक That's all the questions I had in my very extensive list. हाँ, एक ये सवाल था which I am personally interested in. What gear are you guys using? Because I've seen videos में the equipment changing over the years. तो पाकिस्तान में when I used to live there, बड़ा एक वो था ना, हम सब नजर रखते थे, अच्छा को इसके पास अब PRS आ गया है, अच्छा ठीक है. नहीं तो पूरे पाकिस्तान में एक जमाने में सिर्फ मिकाल हसन PRS बजा रहा था, कि अच्छा मिकाल हसन बेस्ट गिटारिस्ट फॉर आजम वर जैक्सन. तो इस तरह की बात है. अब व्हाट आर यू गाइस करंटली वर्किंग विद? इज इट समथिंग दैट यू स्पेसिफिकली चोज क्योंकि साउंड पसंद थी, या ऑल्सो पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी भी अक्सर मसला हो जाती है? या सो हम तो बाहर से ही मंगवा रहे होते थ्रू आउट,
जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है हम पूछ स्टेटस डाल देते हैं कि जी कोई बाहर से आ रहा है ये चीजें हमें मंगवानी है, यहाँ तो नहीं मिलती. सो गेयर वाइज देयर इज दिस इंटरेस्टिंग बैलेंस गोइंग ऑन इन आवर बैंड, जिसमें अनान एंड जैन आर यूजिंग फ्रैक्टल ऑडियोज एक्स एफएक्स प्रोसेसर्स, जो कि बड़े अच्छे हैं. देयर अमेजिंग प्रोसेसर की रैल में वो मेरे ख्याल में टॉप वन ऑफ द टॉप प्रोसेसर हैं. सो वो एक हमने इन्वेस्टमेंट की, जैन ने इन्वेस्टमेंट की इन इन दैट. और अनान वाला बेसिकली जुल्फी भाई का है. तो जुल्फी भाई ने उन्होंने लिया था, उनको नहीं अच्छा लगा बिकॉज ही वाज यूज अ पेडल गाय. मेरा भी यही सिस्टम है, मुझे भी पेडल से ज्यादा अटैचमेंट है. एंड ऑल्दो आई वाज अ प्रोसेसर गाय बट आई शिफ्टेड टू पेडल्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस मुझे फील हुआ वगैरह. सो ये दोनों गिटारिस्ट प्रोसेसर यूज कर रहे थे बट आई यूज अ पेडल बोर्ड. सो पेडल बोर्ड में आई कीप ऑन चेंजिंग यू नो पेडल्स एंड स्टाफ. सो वो तो एक एवर रिवॉल्विंग एक चीज है, थ्रू आउट चलती रहती है. कभी अपने लिए पैसे नहीं बचते, यहीं लगते रहते हैं यू नो. सो या बाकी गिटार वाइज वी यूज डिफरेंट गिटार्स. हम लोग सेटलिस्ट शो पे भी हम लोग एटलीस्ट दो दो गिटार्स कर रहे होते बिकॉज़ वी हैव मल्टीपल ट्यूनिंग्स. I saw this also in the Instagram live. ये था कि I don't या know if it was Umair or one of the other members जो कह रहा था कि हाँ यार चार गिटार होने चाहिए हर बैंड मेंबर के पास. And you were like, हम ट्रैवल कैसे करेंगे? यही है. अभी भी हम जब कराची जा रहे हैं वी नो कि हमें पड़ेगा ऊपर से एक एक्सपेंस के जी आपका सामान ज्यादा है, लगेज ज्यादा है. तो हम बट दिस इज अ थिंग वी वर्किंग ऑन कि हम कुछ ऐसी चीजें कर लें. सो अभी जैसे हमने डिसाइड किया कि दो गिटार्स लेके जाएं और बीच में शो के एक कीबोर्ड का सेशन रख लें जिसमें मैं दो कोई गाने कर लूं और उस टाइम पे हम ट्यूनिंग चेंज कर लें यू सही नो सही सही बिकॉज सही दैट ब्रेक किल्स द मूड यू नो. अगर आप शो बजा रहे हो, आपने एक गाना किया है, द ऑडियंस इज अप देयर, और फिर आप टैं 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 ट्यूनिंग कर रहे हैं. सो वो एक बड़ा बस्किल होता है. वो कहता है यार ये क्या हो रहा है. सो यार टू मुझे याद है ये एक चीज, अपना बेस जो मुझे मिला था स्पेक्टर का यार मुझे बेस चाहिए था और मैं गूगल पे सर्च करके, बस जो गूगल पे देख नहीं रहे होते यार क्या बेस है क्या बेस है, मैंने ओमर मैंने बिलावल का बड़ा भाई है ओमर, वो बड़ी सपोर्ट करता है ना यार ओमर लाउती, मैंने उनको बोला यार ओमर भाई ये बेस लेना है जिंदगी में कभी ना दूसरे दिन इत्तेफाक से ओएलएक्स पे वही बेस आया हुआ और बड़ी लो प्राइस में, हमने बोला चलो चलो लेते हैं भाई, मैंने सारा जितना गिटार मेरे, अच्छा मेरे घर पे ड्रम केट पियानो गिटार वैसे ही रखे होते थे, मैंने उठा के सारा एक ही दिन में जितने में बिक रहा था बेच दिया वो बेस लेने के चक्कर में और मैं गया हूँ और फिर वो एमू के स्टूडियो में बंदा खुद भी नहीं आया, कौन था किसका बेस था कुछ नहीं पता, लेकिन मिल और गया. उसका ड्राइवर आया उसने बेच दिया, कहता इतने पैसे में लेना है लो वड्डा नहीं हो, अब वो बेस ले आए। फिर इत्तेफाक से हुआ ये कि अंधेरा की वीडियो के बाद मैंने उस कंपनी को भेजी थी वो वीडियोस, तो उन्होंने एंडोर्समेंट ही दे दी, कहते हैं आपको इतना परसेंट ऑफ है आप आर्टिस्ट लिस्ट में हमारी आ जाओ, तो उनकी वेबसाइट पर उन्होंने नाम बैंड वगैरह मेंशन करके था, तो इंस्पेक्टर की एंडोर्समेंट भी मिल गई उसके बाद, जबरदस्त. तो वो बेस वैसे किस्मत से ही मिल गया और अभी तक बड़ा मतलब हाँ, सुकून दे बिकॉज़ रहा है उसका। स्पेक्टर इज आल्सो नॉट कोई बहुत कॉमन कंपनी जिसका हाँ सबको पता हो, फेंडर गिब्सन टाइप जो कि आइबनेज़ टाइप, ये तो मिल ही जाएगा. मतलब थोड़ा नीश सीन भी है उसका थोड़ा. ग्रेट ग्रेट. एंड एंडोर्समेंट वाला सीन, दैट मींस यू गेट लाइक अ डिस्काउंट और फिर तुम मंगवा सकते हो डायरेक्टली उनसे. बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी गुड वेरी गुड. तो मैं अक्सर चीजें होती है अपने कजन वगैरह को यूएस में ही डिलीवर करवा देता हूँ वहां से, तो वो ले आते हैं क्योंकि डायरेक्ट भेजने में तो ऊपर से जो हाँ लॉजिस्टिक्स की हाँ कॉस्ट हाँ होती है वो ही बहुत ज्यादा हो जाती है। प्लस कल पाकिस्तान ये टी कस्टम्स. शर्ट देख रहा था उनकी साइट से, मैंने कहा तो टी अच्छा शर्ट पर डिस्काउंट का क्या फायदा, कोई कोई चीज बेस मंगवाओ कोई. नहीं आर यू गाइस गोना डू, हैव यू ऑलरेडी डन मर्च? यस वी आर प्लानिंग. इनफैक्ट एक कंपनी है जिनके साथ हमने कर ली है डील. सो वील बी डूइंग दैट मोस्ट प्रॉबली अभी हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी वो भी. Okay, excellent, excellent. Boys, I think this is all the questions I had. Is there anything specific you guys want to talk about that I might not have covered? Sab ho gaya, sab good hai. No, I think this was great. बहुत जबरदस्त, बड़ा एक्सटेंसिव फिट. ये पॉडकास्ट में लंबी बातें करना बहुत आसान होता है, पॉडकास्ट बोल ही हाँ जाओ बस. ओके जबरदस्त. गाइस आई मीन आई डोंट हैव टू से दिस अगेन, लेकिन फिर भी अगर आप
रिपीट सुनना चाहूँ कि एल्बम आप चेक करें, आई पुट ऑल द लिंक्स बिलो बट यू प्रॉब्ली ऑलरेडी नो वेयर इट इज. रिपीट पे चला दें बस कोई 150-200 दफा, कोई मसला थोड़ी है. और इफ यू आर वेयरएवर दे आर टूरिंग, इनकी डेट्स वो भी सब नीचे होंगी, सोशल लिंक्स तो गो फाइंड देम एट अ कॉन्सर्ट मेरे हाथ पे, जस्ट फॉलो देम एंड सपोर्ट देम. आई एम रियली हैप्पी दैट दे आर डूइंग दिस स्टफ एंड सिंसियरली ग्रेट वर्क बीइंग डन. आई थिंक ओवरऑल सबकी तरफ से यूनैनिमस रिएक्शन ये है कि वी आर वेरी हैप्पी दैट इस तरह का म्यूजिक इज बीइंग डन on a large scale again in Pakistan. And yeah man, just all the best for the future. And easy lena, social media pressure mein aap mat aaiyega ki log kya keh rahe hain, nikalo ye karo, do your thing jaise bhi karna hai, and we're all just happy you're here. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस, एवरीथिंग देयर सोशल्स. हमने भी पेट्रियन शुरू कर दिया बाय द वे, बेशर्मी से मैं बता दूं आपको, इनका भी है, हमारा भी है, टका टका भी, जिसका भी है, सबको आप सपोर्ट करें क्योंकि फ्री में आपको चीजें नहीं मिलनी चाहिए. पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड दिस इज, दिस टेक्स टाइम, मनी, लाइफ, सो यू शुड सपोर्ट इट. ठीक है जी बॉयज, आई विल टॉक टू यू व्हेनेवर नेक्स्ट यू अवेलेबल एंड श्योर श्योर रखिएगा. स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ. ओके जी, खुदा हाफिज़, टेक केयर.